हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये सुबह का टाइम है, 6 बज रहे थे। मुंह हाथ धो के मैं आ गई हूँ और यहाँ मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। तो मैं यहाँ पानी निकाल रही हूँ उनके लिए भी और अपने लिए भी। साथ में मैं नींबू भी ले रही हूँ, और सुबह के टाइम मैं नींबू लेती हूँ जब मेरे पास होते हैं। जब नहीं होते हैं तो मैं ज़रूरी नहीं लेती हूँ, लेकिन गर्म पानी पी लेते हैं हम। तो मैं यहाँ चाय भी चढ़ा रही हूँ क्योंकि अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। तो मैं साथ में यहाँ नाश्ता भी बना रही हूँ। और दीक्षी मेरे साथ उठ गई थी सुबह के टाइम, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैं कोशिश कर रही थी दीक्षी को सुलाने की, पर वो नहीं सो रही थी। मैं निखिल को उठा देती हूँ 5:30 बजे, खुद मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मैं 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ फिर दीक्षी भी उठ जाती है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। पर दीक्षा आज सोई नहीं, तो मैं उसको साथ लेकर आई, फिर मैंने निखिल के पास दे दिया था। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए पराठे बन रहे हैं और रात की सब्जी बची हुई थी, तो सुबह मैंने ज़रूरी नहीं समझा सब्जी बनाना। तो सब्जी थी और पारिशी लेकर जाती है टिफ़िन, निखिल नहीं लेकर जाता है, तो इस वजह से मैं पारिशी को पराठे बना कर दूँगी। और घर में भी एक एक दो दो पराठे खा लेते हैं। तो यह मैं पारिशी को तैयार खुद से हो गई थी, लेकिन मैं इसकी बेल्ट लगा दे रही हूँ। तो बच्चे तैयार हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो सुबह सुबह उठ के, क्या कर रहे हो आप? दीक्षी का मन सोने का था पर वो सो नहीं रही थी, तो मैं लग गई थी झाड़ू मारने के लिए और उनके पास मैंने दीक्षी को पकड़ा दिया था। तो इस कमरे की मैं पहले झाड़ू और डस्टिंग कर देती हूँ, और कभी मैं बाद में कर लेती हूँ क्योंकि दीक्षी कभी पहले सो जाती है, कभी बाद में सो जाती है। तो इस कमरे की मैंने कर दी थी। फिर मैं आ गई दूसरे कमरे में, निखिल वाले रूम में, और निखिल बेडशीट झाड़ देता है सुबह के टाइम, लेकिन आज उसने झाड़ी नहीं, तो मैंने यहाँ झाड़ दी है। और फिर मैं यहाँ बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। तो आज मैंने मशीन भी लगा दी है क्योंकि सोफ़े के कवर बेडशीट वगैरह थी, तो इनको मैंने मशीन में ही धोना था। और जो दीक्षी के और पारिशी के कपड़े रहते हैं उनको मैं हाथ से धो लेती हूँ रोज़ रोज़, तो इस वजह से आज मैंने मशीन लगा दी। हर हफ्ते में मैं 2 या 1 बार ही मशीन लगाती हूँ। फिर दीक्षी को सुला के मैं लग गई थी यहाँ डस्टिंग करने में, और डस्टिंग मैंने कर दी है बाकी रूम की, और हॉल की रह गई थी। और पारिशी के पापा नहाने जा चुके थे, तो मेरे पास यहाँ टेबल का कवर है रखा हुआ, लेकिन मैं इसको टेबल पर नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे बार बार खींचते रहते हैं। मैंने पोछा भी मार दिया है और घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, और इस साइड का भी साफ़ है। और दीक्षी अभी सो चुकी है, और ये थोड़े कपड़े हैं उधर लपेटने के लिए। दीक्षी सो चुकी है, तो अब घर साफ़ सुथरा हो गया है, और घर तब तक साफ रहेगा जब तक बच्चे नहीं आएंगे स्कूल से। मैंने अलमारी को इस साइड कर दिया है। अलमारी के पीछे एक चार्जर का वो दे रखा है, हमें पता नहीं था जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे पता चल गया, तो मैंने यहाँ पे अलमारी को थोड़ा नीचे खिसका दिया है। यहाँ मुझे जैसे ऑल आउट वगैरह लगाना है, चार्जर लगाना है, तो उसके लिए यहाँ सही था। और यहाँ टीवी की तार लगी है तो बार बार निकालना पड़ता था, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ चार्जर लग जाता है, ऑल आउट नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने अलमारी को इस सेट कर दिया है। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको, नहा धो के यहाँ पूजा पाठ करके मैं आ गई थी नाश्ता निकालने के लिए उनके लिए भी और अपने लिए भी। उनको रहा था लेट, तो मैं यहाँ चाय बना रही थी, और उनको चाय नहीं पीनी थी तो मैंने चाय बना दी थी और नाश्ता निकाल लिया है। हम नाश्ता कर रहे हैं, तो दीक्षी भी उठ चुकी है ना। दीक्षी की दोबारा से गुड मॉर्निंग हो गई है ना, गुड मॉर्निंग हो गई ना, हो गई ना गुड मॉर्निंग। पापा जा रहे, पापा ऑफिस जा रहे।
आपको भी जाना है, आपको भी जाना है पापा के साथ। उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं। बाय बाय बाय, दिस यू बाय करो, बाय बाय बेटा, हैं बाय बाय बाय, ठीक है। तो ये चले गए थे ऑफिस और मैं यहाँ दाल चढ़ाने आ गई थी किचन में, और बड़े वाले कुकर में चढ़ा रही हूँ। छोटे वाले कुकर में मैंने दीक्षित के लिए खिचड़ी बना के रख दी थी और फिर मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया है। दीक्षित को मैंने गाड़ी में बिठा दिया है, खुद मैं किचन को साफ़ करने में लग जाऊँगी। और इस साइड का भी कर रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी चींटियाँ आ रही है ब्लैक वाली, वो जाने का नाम नहीं ले रही है। जब मैं मायके गई थी उसके बाद ही आ रही है ये, और लेकिन मैंने सफाई भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये नहीं जा रही है। तो भाभी को पूछा, भाभी कह रही मौसम की वजह से भी आ रही है, जैसे आजकल बारिश का मौसम है इस वजह से। पता नहीं, मैंने बहुत कोशिश कर ली है लेकिन ये नहीं जा रही है। तो यहाँ मैं सफाई करने लग गई हूँ, टोकरी वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी, फिर मैं बर्तन को भी वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी मैंने आधे धो ही लिए, थोड़े से रह गए थे तो इनको भी मैं धो लूँगी और फिर मैं स्टैंड में इसको डाल दूँगी। और अभी मौसम भी अच्छा है, धूप तो नहीं है लेकिन धूप का वो लग रहा है कि धूप लग जाएगी, तो यहाँ मैं कपड़े डाल दूँगी, फिर साथ में मैं यहाँ आंगन भी धो दूँगी। तो कपड़े मेरे यहाँ धुल चुके हैं और टब वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। तो फिर पानी तो मैंने पूरे आंगन में डाल दिया था, अब मुझे अच्छे से झाड़ू मारनी है। तो एक बाल्टी पानी मैंने भर के इसमें फिर से डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। रोज़ रोज़ मैं नहीं करती हूँ, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मैं पूरा आंगन साफ़ कर देती हूँ। तो मैं अच्छे से इसमें झाड़ू मार के साफ़ कर दूँगी। मैंने आंगन भी धो दिया है और कपड़े वगैरह सब स्टैंड पे तार पे डाल दिए हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।